मूवी के स्टार्ट में हमें हेनरी और मीरा नाम के कपल को दिखाया जाता है, जो कि एक नए घर में शिफ्ट हुए हैं, जिसे हेनरी ने खुद से डिजाइन किया था, क्योंकि हेनरी एक आर्किटेक्ट है। इन दोनों के बीच इंटीमेट रिलेशनशिप नहीं है, क्योंकि कुछ समय पहले तक मीरा ब्रेस्ट कैंसर से लड़ रही थी। यही वजह है कि दोनों का कोई बेबी भी नहीं है। अब जबकि मीरा की हालत अच्छी हो रही है और दोनों इस नए घर में अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर रहे हैं, तो इस खुशी को सेलिब्रेट करने दोनों कैफे जाते हैं और ज्यादा रोमांटिक होने के चक्कर में अपने फोन घर पर ही छोड़ जाते हैं। एक अच्छा डिनर करके दोनों घर पहुंचने पर देखते हैं कि कोई इनके घर में घुसकर तबाही करके गया है। घर से कोई कीमती सामान गायब नहीं है, बस इन दोनों के सेलफोन गायब है। परेशान होकर ये दोनों पुलिस को कॉल करते हैं और इस बारे में पूरी बात बताते हैं। मीरा इस सदमे से पूरी तरह बाहर तो नहीं निकली, लेकिन काम पर जाना भी जरूरी है। उसके पीछे से पुलिस इंस्पेक्टर हेनरी से मिलने इसके घर आता है और हेनरी को घर की सिक्योरिटी बेहतर करने की सलाह देता है। हेनरी पुलिस इंस्पेक्टर की सलाह मानते हुए घर की सिक्योरिटी टाइट कर देता है। मीरा को डॉक्टर से पता चलता है कि उसकी हालत अब काफी बेहतर है और अब वो और हेनरी बेबी की प्लानिंग कर सकते हैं, और वो ये खुशखबरी हेनरी को घर जाकर देती है। इसी रात मीरा को अजीब आवाजें आती हैं और इनके घर की लाइट भी खराब हो जाती है, जिससे वो हेनरी को जनरेटर चेक करने के लिए भेजती है। इसी बीच पीछे से कोई मीरा पर हमला कर देता है। हेनरी को इस बात का एहसास हो जाता है, जिससे वो तुरंत भागकर घर के अंदर आता है। वहां वो मीरा को जमीन पर बंधा पाता है। उसे खोलकर हेनरी मीरा के साथ घर को चेक करने लगता है और ये तभी हेनरी के ऑफिस में कुछ लोगों को तबाही करते हुए देखते हैं, जैसे मानो वो कुछ ढूंढ रहे हो। हेनरी मीरा को छुपने को बोलते हुए एक गन निकालता है, पर इससे पहले वो कुछ कर पाता एक आदमी उस पर हमला कर देता है। अब हेनरी जैसे तैसे बचते हुए मीरा के साथ अपने बेडरूम में छुप जाता है। बेडरूम से हेनरी मीरा को विंडो से घर के बाहर निकाल देता है, ताकि वो मदद लेने जा सके। मीरा तो घर से बाहर निकल जाती है, पर वो आदमी बेडरूम में घुसकर हेनरी पर हमला कर देते हैं। गाड़ी में बैठते ही मीरा को कुछ आवाजें सुनाई देती है और फिर एकदम फायर की आवाज आती है, जिससे मीरा हेनरी के लिए पूरी तरह से परेशान हो जाती है। पर तभी घर से एक आदमी निकलकर अपनी जान की भीख मांगता नजर आता है, जिसे हेनरी पीछे से शूट कर जान से मार डालता है। मीरा अपने हस्बैंड का ये विलन वाला रूप देखकर तो सदमे में ही आ जाती है। अगले दिन कैफे में बैठे हुए मीरा अपने हस्बैंड पर बहुत ज्यादा गुस्सा करती है। उसने मीरा को बिना बताए हुए घर में गन रखी हुई थी, पर हेनरी इस बात को ये कहते हुए कवर कर देता है कि अगर उनके पास समय पर गन ना होती तो ना जाने क्या हो जाता। और अब वो गन पुलिस की कस्टडी में है, और इसी दौरान पुलिस वहां आ जाती है, जो उन्हें उन आदमियों की तस्वीर दिखाते हुए बताती है कि ये सारे आदमी पास वाले एक छोटे से एरिया से आए थे और अभी तक पुलिस को इनका ऐसे मीरा और हेनरी के घर में घुसने का मकसद पता नहीं चला है। वो बताते हैं कि इनमें से एक ही आदमी जिंदा बचा है, जो इस वक्त हॉस्पिटल में है, और इस केस के साथ एक लड़की के मिसिंग होने का भी केस जुड़ा है, जो इस जिंदा बचे हुए आदमी की फैमिली से बिलोंग करती है। मतलब कि अब ये केस और इस लड़की के गायब होने का केस, दोनों की ही इन्वेस्टिगेशन उस आदमी की जिंदगी पर डिपेंड करती है। रात में हेनरी मीरा से कहता है कि वो ग्रोसरी का सामान लेने जा रहा है, लेकिन वो गलती से अपना वॉलेट घर पर ही भूल जाता है, जिसे देने के लिए मीरा हेनरी का पीछा करने लग जाती है। पर वो देखती है कि हेनरी मार्केट जाने की वजह उसी हॉस्पिटल की ओर मुड़ रहा है, जहां पर वो घायल आदमी है। मीरा ये देखकर हैरानी से अपना बैलेंस खोकर बाल बाल एक्सीडेंट होने से बचती है, और जब वो घर पहुंचती है तो देखती है कि हेनरी पहले से ही वहां मौजूद था। मीरा हेनरी से हॉस्पिटल जाने की वजह पूछती है, जिस पर हेनरी उसे बताता है कि वो जानबूझकर उस तरफ नहीं गया था, बल्कि रास्ता भटक गया था, जिस वजह से उसे हॉस्पिटल वाली रोल लेनी पड़ी। अगले सीन में हम मीरा को उसके ऑफिस में देखते हैं, जहां वो एकदम अपने सामने उस रात वाले आदमियों में से एक को गन पकड़े देखती है, पर बाद में पता चलता है कि ये सब मीरा की डर की वजह से उसका विजन था और कुछ नहीं। ऑफिस से वापसी में मीरा को पुलिस इंस्पेक्टर मिलता है, जो उसे बताता है कि उसके घर पर हमला करने वाला आखिरी आदमी भी मर चुका है, जिससे केस क्लोज हो गया है। मीरा के पूछने पर उसे पता चलता है कि वो आदमी उसी रात मरा जब हेनरी हॉस्पिटल वाली रोड पर गया था। इन सभी बातों से मीरा को हेनरी पर शक होना शुरू हो जाता है। उस रात एक्सीडेंट की वजह से मीरा की गाड़ी तो गैराज पर थी, जिससे वो हेनरी की गाड़ी में ऑफिस आई थी, जिसमें जीपीएस सिस्टम में उसे लास्ट वही एड्रेस मिलता है जहाँ पुलिस के हिसाब से वो सारे आदमी रहते थे जिन्होंने इनके घर पर हमला किया था। अब पहुंचकर थोड़ा ढूंढने पर मीरा को उन रॉबर्स का घर मिल जाता है, जहां पर मीरा को एक चाबी मिलती है। मीरा उस घर के अंदर जाकर चेक करने की कोशिश करती है, तो उसे वहां एक लेटर मिलता है, जो उसी घर के प्रोजेक्ट का था, जिसमें मीरा और हेनरी अब रह रहे हैं।
उस लेटर को लिए मीरा जब घर से निकलती है तो सामने उसे एक लेटर बॉक्स मिलता है जिसकी की मीरा को ट्रैक में मिली थी। उसे खोलने पर मीरा को अंदर एक कैमरा मिलता है जो उस आदमी ने पुलिस को देने के लिए रखा था। मीरा जब उसे लेकर वहां से निकलने लगती है तो एक अजनबी मीरा को पहली बार वहां देखकर उससे सवाल पूछने शुरू कर देता है। मीरा के हाथ में कैमरा देखकर उसे लगता है कि मीरा कुछ रिकॉर्ड कर रही है, जिस पर वो कैमरे को पूरी तरह से तोड़ने की कोशिश करते हुए मीरा को डरा धमकाकर दोबारा यहाँ ना आने का कहते हुए यहाँ से भगा देता है। घर जाकर मीरा उस कैमरे के अंदर की रिकॉर्डिंग्स देखने की कोशिश करती है, पर उस आदमी ने कैमरे को बुरी तरह से तोड़ दिया था जिससे मीरा के लिए कैमरे की रिकॉर्डिंग्स देखना नामुमकिन हो जाता है। इसके बाद वो एक नया कैमरा ऑर्डर करती है और हेनरी के ऑफिस में जाती है जहां वो देखती है कि वो एनवलप जो उसे उस घर से मिला था वाकई उनके घर के प्रोजेक्ट से मैच कर रहा है। अब मीरा को हेनरी पर शक होने लगता है और वो हेनरी के ऑफिस की तलाशी शुरू कर देती है। तभी उसे वहां एक USB मिलती है जिसमें उसके घर के बनते वक्त की पिक्चर्स थी। उनमें उसे उसी हॉस्पिटल में मरने वाले आदमी की भी पिक्चर्स देखने को मिलती हैं, जैसे कि वो इस प्रोजेक्ट में हेनरी के साथ काम कर रहा हो। इस इन्वेस्टिगेशन के चक्कर में मीरा भूल जाती है कि हेनरी उसकी कार गैराज से ठीक करवाकर घर पहुंच चुका है, जो घर पहुंचकर अपने ऑफिस की लाइट्स खुली देखकर थोड़ा हैरान हो जाता है। मीरा गाड़ी की आवाज़ सुनकर जैसे तैसे हेनरी के अंदर आने से पहले USB लिए ऑफिस से निकल जाती है, लेकिन वो अपना फ़ोन उसके ऑफिस में ही भूल जाती है, जिसे बाद में हेनरी मीरा को देता है और उस पर अपनी लोकेशन देखकर वो मीरा से सवाल करता है, जिसे मीरा ये कहते हुए टाल देती है कि वो बस हेनरी की सिक्योरिटी के लिए ये कर रही थी। हेनरी उसे बताता है कि उसने भी मीरा पे नज़र रखी है, इसलिए वो उसके उस एरिया में जाने की वजह पूछता है जहाँ से वो चोर आए थे। मीरा इस बात को यह कहते हुए कवर करती है वो गलती से ड्राइव करती हुई वहां पहुंच गई थी और हेनरी उसका यकीन भी कर लेता है। रात में हेनरी के सोने पर मीरा फिर से USB में पिक्चर देखने लगती है और उसे उनमें उसमें से लड़की की भी पिक्चर नजर आती है, जिसे देखकर मीरा परेशान हो जाती है। अगली सुबह हिम्मत करते हुए मीरा वो USB पुलिस को देने पुलिस स्टेशन पहुंचती है। तभी वो अंदर जाने की हिम्मत कर ही रही होती है कि वहां पुलिस उसी अजनबी को पुलिस स्टेशन के अंदर ले जाते हुए देखती है। अभी वो अंदर जाने की हिम्मत कर ही रही होती है कि वहां पुलिस उसी अजनबी को पुलिस स्टेशन के अंदर ले जाते हुए देखते हैं, जिस पर वो डरकर अपना इरादा बदलते हुए वापस घर चली जाती है। अब वो अंधेरे में नहीं रहना चाहती थी, इसलिए वो हेनरी से सब सच बताने के लिए कहती है, जिस पर हेनरी उसे बताता है कि ये घर बनाने के लिए उसके पास पर्याप्त पैसे नहीं थे, इसलिए उसने सरकार को ये शो करवाया कि वो खुद ये घर बना रहा है, पर फिर भी उसे लोगों की ज़रूरत थी जिनमें वो हॉस्पिटल में मरने वाला आदमी डायलिन भी था। जब हेनरी ने उसकी बेटी के साथ बुरा सलूक देखा तो उसे जॉब से निकाल दिया, पर डायलिन से ये बर्दाश्त नहीं हुआ और उसे हेनरी का सरकार के साथ फ्रॉड भी पता चला, जिससे उसने हेनरी को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। उसका मुंह बंद रखने के लिए कुछ टाइम तक तो हेनरी उसे पैसे देता रहा, पर जब उसके पास पैसे नहीं रहे तो हेनरी ने पैसे देने बंद कर दिए। हेनरी को यकीन है कि डायलिन अपनी बेटी के गायब होने को उसके खिलाफ जानकर इस्तेमाल कर रहा है ताकि वो पैसे बना सके, क्योंकि उसके हिसाब से डायलिन एक बहुत ही लालची और गिरा हुआ इंसान है। ये सब सुनकर मीरा को हेनरी पर यकीन हो जाता है और उसे अपना हस्बैंड सच्चा लगना शुरू हो गया, जिसके बाद मीरा ने दोबारा हेनरी से इस टॉपिक पर कोई बात नहीं की और दोनों का रिलेशन वापस से नॉर्मल होना शुरू हो गया। एक दिन ऑफिस से वापसी में मीरा को वो ऑनलाइन ऑर्डर किया हुआ कैमरा मिलता है, पर अब जबकि उसका और हेनरी का रिश्ता फिर से नॉर्मल हो चुका है तो उसे इग्नोर कर देती है। दोनों घर पर पार्टी रखते हैं जो बहुत अच्छे से चल रही थी। तभी न्यूज़ में मीरा देखती है कि जिस आदमी ने मीरा का कैमरा तोड़ा था उसका डायलिन की बेटी के गायब होने में कोई हाथ नहीं था। ये देखकर मीरा का शक फिर जागता है और वो कैमरा निकालकर वीडियो को चेक करने की कोशिश करती है, जिसे देखकर उसे पता चलता है कि डायलिन हेनरी के पीछे पैसे के चक्कर में नहीं था, बल्कि जब से उसकी बेटी हेनरी के पास काम करने आई थी वो तभी गायब हो गई थी और डायलिन ने हेनरी की अपनी बेटी पर गंदी नज़रें फील कर ली थी। यही वजह है कि वो हेनरी के पीछे है। डायलिन का कहना था कि हेनरी जैसा दिखता है वो वैसा बिल्कुल नहीं है और उसने अपने ऑफिस में बहुत से राज छुपा कर रखे हैं। इसके बाद मीरा फौरन हेनरी के ऑफिस में जाती है, जहां उसे अपने घर के मैप में हेनरी के ऑफिस से एक सीक्रेट रूम का पता चलता है। मीरा बहुत मुश्किल से पर उस रूम को ढूंढ निकालती है, जहां जाकर वो देखती है कि हेनरी ने डायलिन की बेटी को किडनैप कर वहां बांध कर रखा है और उसके हाथ वाटर पाइप से बांध कर रखे हैं। यही वजह है कि वाटर पाइप से आवाजें आती थी। डायलिन की बेटी क्रिस्टीना मीरा को वहां देखकर बुरी तरह घबरा जाती है, लेकिन मीरा उसे आवाजें निकालने को मना करती है ताकि वो दोनों हेनरी के जाल से निकल सके। जैसे ही वो क्रिस्टीना को नॉर्मल करके पीछे मुड़ती है तो हेनरी को अपने पीछे खड़ा देखकर डर जाती है।
जो फाइनली मीरा के सामने अपने असलियत खोलते हुए सच बता देता है। मीरा जब पुलिस को बुलाने की कोशिश करती है तो हेनरी उसे भी जख्मी करते हुए बांध देता है और बताता है कि उसे बच्चा चाहिए, जो मीरा के कैंसर की वजह से पॉसिबल नहीं था, इसलिए वो क्रिस्टीना के साथ बच्चा करके उसे जान से मार देगा, जिसके बाद वो मीरा के साथ एक हैप्पी फैमिली बनाकर रहना चाहता है। इसके बाद हेनरी बाहर जाकर सभी गेस्ट को पार्टी से घर भेज देता है। इसी बीच मीरा खुद को खोलकर क्रिस्टीना को भी आज़ाद कर लेती है। फिर जब हेनरी वापस सीक्रेट रूम में आता है तो उन्हें वहां ना पाकर ढूंढ ही रहा होता है कि मीरा और क्रिस्टीना उससे बचते हुए बेसमेंट से भाग निकलती है। इसी बीच हेनरी घर को अपने फ़ोन से लॉक कर देता है, जिससे ये दोनों घर से नहीं निकल पाती। ये दोनों हेनरी से छुपने की बहुत कोशिशें करती हैं, पर हेनरी मीरा को पकड़कर जख्मी करके बेहोश कर देता है और क्रिस्टीना को मारने के लिए वापस उसी रूम में ले जाता है। वो उसे मारने ही वाला होता है कि मीरा होश में आकर टाइमली वहां पहुंचकर हेनरी पर पीछे वार करती हुई क्रिस्टीना को बचा लेती है और हेनरी की मौत हो जाती है और वो दोनों वहां से निकल जाती हैं। मूवी की लास्ट में हम मीरा को उस घर को सेल पर लगे हुए अपने सामान के साथ किसी नई जगह नई शुरुआत के लिए जाते हुए देखते हैं। इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है।